क्या कोई है जो मेरे साथ रात बिताना चाहेगा? मैं उसे $1,000 दूंगी। सच कह रही हूँ, मैं चलता हूँ। नहीं, मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा। अरे मैंने पहले कहा था। चुप रहो तुम, मैं जाऊँगा। तुम क्यों चुप बैठे हो? तुम्हें पैसों से प्यार नहीं है क्या? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्या सच में तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? मैं तुम जैसी बिगड़ी हुई लड़कियों के मुंह नहीं लगता। ओके, ठीक है, तुम अपने पैसों का नुकसान कर रहे हो। वैसे तुम अपनी कीमत तो बोलो। अकेला छोड़ दो मुझे, मेरे किसी दोस्त को ले जाओ। जाओ। तुम्हें साथ ले जाने के लिए मुझे क्या करना होगा? पूरे 3,000 लूंगा। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? अब चुपचाप चलो मेरे साथ। ये पैसे तुम मेरे दोस्तों को दे दो, मैं ऐसे ही चल पड़ूंगा तुम्हारे साथ। इस बेवकूफ का बर्ताव बड़ा अजीब सा है, लेकिन ये मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कहा? सच में? हाँ। ओके, ठीक है, तो ये लो। अब चलो भी, खड़े हो जाओ। शुक्रिया। चलो अब बैठ करो। तुम कमाल के दोस्त हो। इस बेवकूफ आदमी को तो मेरे प्लान का बस एक छोटा सा हिस्सा होना था, लेकिन ये तो अब मेरी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट किरदार बन गया। मैं हूँ आना और ये है मेरी लव स्टोरी। तो पहले जरा साफ सुथरे हो जाओ। जाओ जल्दी से नहा लो। ओके, ठीक है, जैसा आप चाहें बॉस। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो ये अजीब सा इंसान कौन है और इसे कहां से पकड़ा तुमने? मेरे पेरेंट्स को एजुकेट करना जरूरी है। वो चाहते हैं कि मैं किसी पैसे वाले पागल से शादी कर लूं। इसमें नया क्या है? तो मैं आज रात के खाने पर एक भिखारी को ले जाऊंगी। इसको क्यों? यस। तुम मजाक कर रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम्हारा तो वो क्रिश्चन है ना? हाँ, वो बस वही वही मेरे लिए एक मनी बैग है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो मेरा ये प्लान कामयाब हो इसके लिए इस शख्स को हैंडसम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बढ़िया, मैं भी साथ हूँ इसमें। हाँ, संध्या। हैरी, तुम्हें अब क्या चाहिए? फिर से? हाँ, फिर से। देखो, पिछले 2 महीनों में ये तीसरी बार है जब तुम मेरा किराया बढ़ा रहे हो। अब पैसे नहीं है मेरे पास। अगर तुम नहीं दे पा रही हो तो यहाँ से चली जाओ। पर हैरी, मेरी बात तो सुनो ना, मैं कैसे मैनेज? क्या हैरी और पैसा चाहिए क्या अपनी महबूबा के लिए? निकोलस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहा रहा था। हाँ, नहा रहे थे। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बीवी को तुम्हारे राज का पता चले तो इस बेचारी लड़की को तंग करना बंद कर दो, समझे? नहीं, वो तो एक मजाक था। मैं तो बस मजाक कर रहा था, एक बुरा मजाक। संध्या, I'm sorry, वो बस एक मजाक था। मजाक था? हाँ, रेंट वही रहेगा जो हमने पहले तय किया था। ओके। मजाक का बुरा मत मानना। अच्छा मजाक था। तो मैं चलता हूँ अब। हाँ, मिलते हैं कभी। आखिर तुम उसे कैसे जानते हो? अपनी पुरानी जिंदगी से। वैसे तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली, तुमने सच में। अच्छा, तो अब प्लान के मुताबिक आगे क्या करना है मुझे? मुझे लगता है तुम्हें जरूरत है एक फुल मेकओवर की, तो चलो जाओ। हाँ, ठीक है। हाँ, वो बेघर था लेकिन प्लेजेंट और अट्रैक्टिव भी। ये तो बाथरूम में भी अच्छा लग रहा है ना सिंथिया? वाकई? ओके, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? मुझे और इससे प्यार? नहीं।
झूठी। ठीक है। नहीं, तुम क्या छिपा रहे हो निकोलस? हैरी तुमको कैसे जानता है? तुम तो एक ऐसा राज बन गए हो जिसको अब मैं जानना चाहती हूँ। मैं तुमसे फिर कभी मिलना नहीं चाहती। कहा ना, मैं नहीं मिलना चाहती। किससे बात कर रही थी? बस ऐसे ही है कोई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, वो किसी हीरो की तरह लग रहा था मुझे। काफी अच्छे लग रहे हो। अरे वाह, क्या बात है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा मिस्टर, ये बताओ, क्या मैंने तुम्हें पहले कभी देखा? शायद किसी पुल के नीचे देखा होगा। ये पहन लो, बस कुछ फाइनल टचेस और फिर चलते हैं। तो कहाँ जाना है? आओ बताती हूँ। सुनो, तुम्हें मेरी जरूरत क्यों है? मेरे पेरेंट्स लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी अमीर इंसान से दोस्ती कर लूं, फिर वो चाहे कोई भी हो, उसके पैसों के सामने उनके लिए सारी चीजें बेकार हैं। और क्या तुम्हें अमीर पति नहीं चाहिए? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास कितना पैसा है, मुझे बस सच्चा प्यार चाहिए। तुम समझ रहे हो ना? हाँ मैं समझ सकता हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स इस बात को समझें कि किसी के पास कितना पैसा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद जब वो किसी अमीर और बेघर के बीच में फर्क नहीं कर पाएंगे तो शायद तब जाकर वो मेरी इस बात को समझेंगे। लेकिन सच कहूं तो तुम बेघर नहीं लगते, तुम कुछ छुपा रहे हो ना मुझसे? मैं अब छोड़ो उसे, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। हमें जल्दी निकलना होगा, वहां सब इंतजार कर रहे होंगे। ओके। मैं कुछ मदद करूं? तो तुम चलो, मैं बस इसे जल्दी रख कर आता हूँ। अच्छी लग रही हो तुम। थैंक यू। मॉम डैड, ये यहाँ क्या कर रहा है? हाँ नहीं, मैं सब कुछ फिर से शुरू करना चाहता हूँ। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तुम एक बिगड़े हुए बेकार इंसान हो। हमारे बीच ना कभी कुछ हुआ था और ना ही कभी होगा। एन, किसी शरीफ आदमी से ऐसे बात करती हैं? तुम मेरे साथ इस तरह बात नहीं कर सकती। मैं तुमको एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, तो अगर तुम मुझे रिजेक्ट करोगी तो मैं तुम्हारे फादर की कंपनी खरीद कर उसे कंगाल कर दूंगा। फिर तुम और तुम्हारी फैमिली को मेरे आगे भीख मांगनी पड़ेगी अपनी जिंदगी के खातिर। तुम समझ रही हो ना डियर? मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। हाँ? लेकिन ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन मिस्टर फ्लेम, आप और एन साथ में हैं। ये मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? अगर मुझे पता होता कि आप दोनों तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करता। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, ये मुझसे क्या हो गया? I'm so sorry. ये क्या हुआ? तुम कैसे बेघर इंसान हो? बेघर? कौन बेघर? गुड इवनिंग। रुको, पहले एक बात बताओ मुझे। हाँ बोलो। क्या तुम वही निकोलस फ्लेम हो? ये वही मिलियनेयर है जिसने अपना सारा पैसा चैरिटी में दे दिया। हाँ
जब मुझे महसूस हुआ कि मेरे आसपास सभी लोग बस मेरा पैसा चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि इससे बेहतर तो मैं बेघर होकर रहूं। पर यहां तक कि मेरे घर वालों को भी मुझसे ज्यादा मेरे पैसों की पड़ी थी, और तब मैं सोचने लगा कि सारे लोग ऐसे ही होते हैं शायद। लेकिन आज मैं एक ऐसे इंसान से मिला जिसे पैसे से ज्यादा प्यार चाहिए। पसंद करती हो मुझे? और उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि आखिरकार मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ, एक ऐसी जिंदगी जिसमें पैसे से ज्यादा प्यार जरूरी है। सिर्फ हमारे सच्चे प्यार के एहसास से ही किसी को सच्ची खुशी मिल सकती है।